नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन के मदद से ऑनलाइन कुछ इस तरीके का पीबीसी आधार कार्ड को कैसे ऑर्डर कर सकते हो। तो आज के जो वीडियो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों चलिए ज्यादा टाइम का खात्मा ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो अभी यहाँ पे आप लोगों साइड पे मेरा फोन का जो स्क्रीन है वो दिख रहा होगा, तो अभी आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को अपने फोन का जो ब्राउजर होता है उसको सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने फोन का जो क्रोम ब्राउजर है उसको जस्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार पे सर्च करना है माय आधार। तो आपको जस्ट ये लिख के इधर पे आप लोगों को जो है सर्च कर लेना है। तो जैसे आप इसको सर्च करोगे, करने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स निकल के आएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे पहला वाला जो वेबसाइट है उस पर सिंपली जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा नया पेज जो है वो निकल के आ जाएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे आपको जस्ट नीचे की तरफ थोड़ा जो स्क्रॉल करना है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट आधार का। तो गेट आधार के ऑप्शन के जस्ट नीचे यहाँ पे आप लोगों को और भी कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा ऑर्डर आधार पीबीसी कार्ड। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद ये थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लेगा। लेने के बाद आपके सामने फिर से कुछ ऐसा नया इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो दो तरीके है, तो अगर आपका जो है मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो उस सिचुएशन पे आप अपना पीवीसी आधार कार्ड को कैसे जो है ऑर्डर कर सकते हो वो भी दिखाऊंगा। एंड इसके बाद आप लोग जो है अगर आपका आधार कार्ड के साथ अपना जो मोबाइल नंबर है वो लिंक है तो वो आप लोग कैसे पीवीसी आधार कार्ड को जो है ऑर्डर कर सकते हो वो दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले दिखाता हूँ, अगर आपका आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो आप लोग जो है पीवीसी आधार कार्ड को कैसे जो है ऑर्डर कर सकते हो। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की स्क्रॉल करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आप अपने आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट आईडी से भी आप यहाँ पे जो इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों में से आपको किसी भी एक पे जो चूज करना है, करने के बाद आपको जो है यहाँ पे दे देना है। तो मैं यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है उसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो आधार नंबर एंटर करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को नीचे कैप्चा का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो कैप्चा है इसको जस्ट यहाँ पे आपको जो है एंटर कर देना है। और अगर आप लोग ये कैप्चा जो है समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसको जो फिर से दोबारा रिफ्रेश कर सकते हो, नया जो ला सकते हो कैप्चा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कैप्चा है सेम टू सेम आपको यहाँ पे जो ये कैप्चा है उसको फिल कर देना है। तो कैप्चा को फिल कर देने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपके मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से रजिस्टर नहीं है तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उसको एंटर करना है, जो नया मोबाइल नंबर अगर देना चाहते हो, अगर रजिस्टर नहीं है कोई नया मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे जो नंबर को एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद अभी आपको यहाँ पे नीचे एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अभी आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो आपको क्या करना है, उस ओटीपी को जो यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो ओटीपी है उसको यहाँ पे एंटर कर दिया। तो ओटीपी को एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, जस्ट सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद अभी आपको यहाँ पे बताएगा कि आपको जो है ये पीबीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करने के लिए आपको 50 रुपीज पे करने होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ से जो 50 रुपीज है उसको पे कर देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मेक पेमेंट ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप लोग जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे जो है थोड़ा लोडिंग लेगा। लेने के बाद यहाँ पे आपका जो सारा जो पेमेंट एप्लीकेशन है वो निकल के आ जाएगा, आप किसके थ्रू जो है अपना पेमेंट करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपका जो है ये ऑर्डर है सक्सेसफुली डन हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है 4-5 दिन पे अपना जो पीबीसी आधार कार्ड है वो जो आपको रिसीव हो जाएंगे। तो अभी चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि आपको दूसरा तरीके में कैसे जो है पीबीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करना है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक है तो उस सिचुएशन पे आप अपना आधार पीबीसी आधार कार्ड को कैसे ऑर्डर कर सकते हो। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, इधर से बैक हो जाना। होने के बाद यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे आके यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद यहाँ पे आपसे अपना आधार नंबर एंड कैप्चा जो है फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला जो अपना आधार नंबर है उसको यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो आधार नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो आधार नंबर को एंटर करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो है कैप्चा दिख रहा है, तो उस कैप्चा को आप लोगों को जस्ट यहाँ पे जो फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे जो फिल कर देता हूँ।
तो कैप्चा को एंटर कर देने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, तो आपको दोबारा उस ओटीपी को जो यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो ओटीपी है उसको एंटर कर दिया। तो ओटीपी को एंटर करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको क्या करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद ये थोड़ा लोड लेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका सामने कुछ एक नया इंटरफेस निकल के आएगा। तो अभी आपका जो है ये लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हो। तो अभी आपको क्या करना है, आपको पीबीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑर्डर आधार पीबीसी कार्ड। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद यहाँ पे आपका जितना डिटेल्स है वो निकल के आ जाएंगे, अपने आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, जस्ट नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको 50 रुपीज का जो है पेमेंट करना होगा, इसके बाद आप इसको जो है ऑर्डर कर सकते हो। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे लिखा रहा है ये कंफर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे नीचे जो मेक पेमेंट का ऑप्शन है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, आप किसके थ्रू जो अपना पेमेंट करना चाहते हो, यहाँ पे पेटीएम, गूगल पे, इसके बाद यूपीआई वगैरह सब कुछ आते हैं। जिस भी थ्रू से आप पेमेंट करना चाहते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको जो पेमेंट कर देना है, एंड पेमेंट करने के बाद आपको 4 या 5 डेज वेट करना है। इसके बाद आपका जो ऑर्डर है पीबीसी आधार कार्ड जो है वो आपके एड्रेस पे जो है वो डिलीवर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने पीवीसी आधार कार्ड को जो है ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोग को ये जो वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जैसे लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।